So the next question in this 30 days code is day 1 data type. So this is the question based on data types. So here they are giving an input and this is integer. We have to add 4 to that integer, then we will get the answer. Here is double value, we want to add 4 and we will get the input. And this is the sentence, it is a strings and string. So we have to concat with this hacker rank. Okay, so here they have given this till this code. So I have declared another integer i2, another double d2, and another array of characters s2 to store the sentence that is coming. So here I have written scanf %d and i2, %d format specifier for integer, %lf long double for double value, for taking double value. And this is interesting, this for taking sentence. If we write directly percent yes, we will get this only first string like is. So that's why we are taking here this l. I have made video on this, you can go and watch in playlist. Okay, so this is like take the string till we did not get new line, means तब तक स्ट्रिंग स्कैन करके लो जब तक हमें ये न्यू लाइन नहीं मिलेगा. सो अगर स्पेस आएगा तो ये तो स्पेस आएगा फिर भी ये स्ट्रिंग स्कैन करके लेगा. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस. सो देन आफ्टर दिस वी हैव प्रिंटेड %d वेयर वी आर एडिंग दिस 4 वैल्यू, मींस दे हैव गिवन द कांस्टेंट्स 4.0 एंड हैकर रैंक, मींस वी हैव टू ऐड दिस 4 इन दिस वेरिएबल i+i2. Here we are printing sum of integers, here we are printing sum of doubles, and this is 0.1. so this is 0.1 because we have to maintain the decimal points. So here we have to maintain the decimal points, means after point we have to maintain only one value. That's why here 0.1. and this is lastly we have to concatenate, means this hacker rank and jo input liya hai sentence उसको हमें प्रिंट करना है. सो हियर आई थिंक %s एंड हियर वी हैव टू फर्स्ट वी हैव टू हैकर रैंक एंड देन जो इनपुट लिया है s2 वाला वो हमें प्रिंट करना है. सो इफ यू रन दिस कोड देन इट विल डेफिनेटली नॉट रन बिकॉज देयर इज द ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन. सो यू विल सी हियर इधर हमारा सेंटेंस प्रिंट नहीं हुआ है like that. So I will show you why. I have take that code here, same code here, and I will run that code. Okay, means aapko pata chalega cc and .a.out. okay, to abhi hum scan karke lenge ek integer, ek float lenge 4.0. abhi main enter karta hu, aap dekhoge directly we are getting the outputs. So ये तीसरा वाला पैरामीटर है जो हम सेंटेंस लेने वाले हैं, उसके लिए हमारा हमारे टर्मिनल में रुक नहीं रहा है. डायरेक्टली इट इज़ गोइंग टू हियर, आफ्टर दिस स्कैन एफ इट इज़ गोइंग टू हियर एंड दे आर प्रिंटिंग द वैल्यूज. सो टर्मिनल में हो रहा है क्या, आफ्टर दिस स्कैन एफ जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें न्यू लाइन आएगा. अब अभी इधर 4.0 है, इसके बाद न्यू लाइन ऐड होता है. मींस लाइक टर्मिनल से तो प्रिंट एफ फंक्शन लाइक कैरेक्टर वाइज लेता है लाइक दैट. तो इधर उसको न्यू लाइन मिलेगा, मींस अभी इनपुट कैसा होगा 4 फर्स्ट लाइन, फिर इसके बाद भी न्यू लाइन होगा सपोज, और इसके बाद 4.0 देन न्यू लाइन. तो ये तीसरा वाला स्कैन एफ है, दिस इज द लास्ट स्कैन एफ. इट इज थिंकिंग दैट वी हैव गॉट न्यू लाइन, सो दे आर टेकिंग जस्ट दिस स्पेस, दिस न्यू लाइन इन दिस, मीन्स इस s2 में वो जस्ट ए न्यू लाइन ले रहा है लाइक दैट. सो दैट्स वाई दे आर नॉट टेकिंग द थर्ड पैरामीटर, मीन्स दे आर नॉट टेकिंग सेंटेंस. सो वी हैव टू राइट न्यू लाइन हियर, मीन्स कर्सर जाके न्यू लाइन के बाद कर्सर जाके इधर रुकना चाहिए फॉर टेकिंग द इनपुट. सो हियर वी विल ऐड द स्ट्रिंग एंड देन इट विल टेक. सो अभी मैं फाइनली करता क्या हूँ इसको,
आई जस्ट राइट हियर न्यू लाइन बिकॉज आफ्टर टेकिंग द डबल वैल्यू इट द आवर स्कैनर विल गो टू द न्यू लाइन एंड इट विल स्टॉप फॉर टेकिंग द इनपुट्स दैट स्ट्रिंग इनपुट्स नाउ आई विल रन द कोड इट विल डेफिनेटली रन या थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक.